दोस्तों ये है इंडिया की बेस्ट सेलिंग बाइक हीरो स्प्लेंडर प्लस। सुपर स्प्लेंडर और स्प्लेंडर प्लस एक महीने में 2 से 2.5 लाख यूनिट आराम से सेल हो जाती हैं। है तो ये स्प्लेंडर, लेकिन इसका रुतबा फॉर्च्यूनर से कम नहीं है, क्योंकि भाई फॉर्च्यूनर भी अपने सेगमेंट की किंग है और स्प्लेंडर भी अपने सेगमेंट की किंग है। इसकी सेगमेंट में कोई भी गाड़ी लॉन्च हो जाए, कितनी भी वैल्यू फॉर मनी हो, लेकिन इस गाड़ी का भाई कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा और ना ही इसकी सेल में कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में मैं स्प्लेंडर प्लस का रिव्यू करने वाला हूं और स्प्लेंडर प्लस के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस बता देता हूँ। ये स्प्लेंडर प्लस का i3S वाला मॉडल है। इसकी ऑन रोड प्राइस है 92,750 रुपये अयोध्या में। इसमें एक्सटेक नाम से एक और मॉडल आता है, उसकी ऑन रोड प्राइस है 96,480 रुपये। वैसे देखा जाए तो इसका एक्सटेक वाला मॉडल ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है, क्योंकि भाई 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा देने पर आपको LED DRL मिल जाता है, उसमें डिजिटल मीटर मिल जाता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, और बढ़िया सी ग्राफिक्स देखने को मिलती है जो कि इसमें नहीं मिलती। लेकिन भाई सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को i3S पसंद आता है तो किसी को एक्सटेक। मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे एक्सटेक ज़्यादा पसंद है, क्योंकि भाई एक्सटेक में थोड़े बहुत नए फीचर देखने को मिलते हैं, लेकिन i3S में तो वही पुराना सिस्टम सब देखने को मिलता है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है कंपनी के तरफ से। ये है इसका एक्सेंट ब्लैक कलर। इसके वाइजर पे हीरो स्प्लेंडर प्लस लिखा हुआ मिल जाता है। इसमें नॉर्मल हाइलोजन बल्ब के साथ हेडलाइट देखने को मिल जाती है। हाइलोजन बल्ब की कैपेसिटी की बात करें तो वो 35-35 वाट का है। इसका इंडिकेटर भी हाइलोजन बल्ब के साथ में ही आता है। इंडिकेटर पर येलो कलर की कवर देखने को मिल जाती है। कुछ ऐसा लुक आता है फ्रंट से स्प्लेंडर प्लस का। स्प्लेंडर प्लस काफ़ी स्लिम ट्रिम देखने को मिलती है। यहाँ पे नंबर प्लेट प्लेस करने के लिए जगह मिल जाती है और फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। कुछ ऐसा दिखता है इसका मडगार्ड। इसका मडगार्ड भी प्लास्टिक मटेरियल के साथ आता है। इसके फ्रंट टायर सेक्शन की बात करें तो 8018 का मिल जाता है अलॉय व्हील के साथ। इसमें कोई भी ABS देखने को नहीं मिलता, ना ही इस गाड़ी में डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, लेकिन इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देखने को मिल जाता है। रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट टायर में भी ब्रेक लगती है, इसी सिस्टम को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं। ये गाड़ी सिंगल हॉर्न के साथ में आती है। इसमें डिसेंट साइज का लेग गार्ड देखने को मिल जाता है स्टील फ्रेम के साथ। और भाई स्प्लेंडर ब्लैक कलर में कुछ ज़्यादा क्लासिक दिखती है। ये है इस गाड़ी का साइड लुक, साइड से भी गाड़ी अच्छी दिखती है। स्प्लेंडर के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें वही पुराना 97.2 cc का एयर कूल 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। ये इंजन 8.02 PS की पावर प्रोड्यूस करता है 8000 RPM पे और 8 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पे। और ये इंजन 4-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में आता है। इसके माइलेज के बारे में बात करें तो ये 60 से 65 KMPL तक का माइलेज आराम से दे देती है इकोनॉमी राइड पे। ये इंजन काफ़ी रिफाइंड एंड साइलेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे साइड स्टैंड एंड डुअल स्टैंड मिल जाता है और ये गाड़ी साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ आती है। अगर गाड़ी गियर में होगी तो स्टैंड नीचे करने पर इंजन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। बैटरी पैनल पे स्प्लेंडर प्लस 3D में लिखा हुआ मिलता है और i3S की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। कुछ ऐसा दिखता है इसका इंजन और कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी साइड से। साइड लुक इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। इस गाड़ी का चैन फुल्ली कवर्ड है और चैन कवर मेटालिक में देखने को मिलता है। और भाई ये है इसका रियर शॉक एब्जॉर्बर जो कि स्प्रिंग कॉइल के साथ में आता है। इसमें लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए अलग अलग फुटरेस्ट आता है साड़ी गार्ड के साथ। सीट काउल काफ़ी छोटा है इस गाड़ी का। इसका रियर टायर भी सेम है फ्रंट टायर की तरह। इसके टायर सेक्शन की बात करें तो रियर में 8018 का टायर देखने को मिलता है। इसके फ्रंट एंड रियर टायर में ड्रम ब्रेक ही आता है। इस गाड़ी में कोई भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलता और ना ही इस गाड़ी में कहीं भी LED लाइट का यूज़ किया गया है। इस गाड़ी के सभी बल्ब हाइलोजन बल्ब के साथ में ही आते हैं। इसका रियर इंडिकेटर एंड टेल लाइट हाइलोजन बल्ब के साथ में ही आते हैं। यह इस गाड़ी का रियर लुक काफ़ी पतली लगती है ये गाड़ी पीछे से। इसकी ग्रैब हैंडल काफ़ी बड़ी है जिसकी वजह से इस गाड़ी पे 3-4 लोग तो बैठ ही जाते हैं। टेल लाइट के नीचे नंबर प्लेट प्लेस करने के लिए जगह मिलती है और इसके नीचे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। यह है एग्जॉस्ट टेल पाइप, इस पे स्टील मफलर आता है। अभी इस गाड़ी में नहीं लगा हुआ है क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल नई है। कुछ ऐसा दिखता है इसका सस्पेंशन। इसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, छोटे मोटे अगर गड्ढे आते हैं तो उसको आराम से हैंडल कर लेता है। और इस तरफ भी साइड पैनल पे स्प्लेंडर प्लस लिखा हुआ आता है। इस गाड़ी में पावर स्टार्ट मोटर आता है जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है। पावर स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों एक ही हैं, कुछ भी बोल लो।
कुछ ऐसा दिखता है इस गाड़ी का इंजन। इंजन पे हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। यह है इस गाड़ी का फ्यूल टैंक। इसकी कैपेसिटी है 9.8 लीटर की और इसे एक बार फुल करवाने पर यह गाड़ी 600 किलोमीटर चल जाती है आराम से। कुछ ऐसा दिखता है इसका टैंक कवर। टैंक कवर पे E20 लिखा हुआ मिल जाता है क्योंकि ये E20 वाला मॉडल है। यह है इस गाड़ी का हैंडल बार। इसमें पास एंड स्विच नहीं आती है जो कि देना चाहिए था कंपनी वालों को। इसमें हाई लो बीम स्विच, इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच मिल जाती है और ये गाड़ी सिंगल हॉर्न के साथ में ही आती है। इसमें कोई भी डुअल हॉर्न देखने को नहीं मिलता। मीटर कंसोल की बात करें तो इसमें कुछ नया नहीं आता। इसमें एनालॉग स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर एंड फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है। इसमें कोई भी ट्रिप मीटर नहीं मिलता। इसमें साइड स्टैंड वार्निंग लाइट एंड न्यूट्रल लाइट, चेक इंजन लाइट, हाई बीम लाइट देखने को मिल जाती है। लेफ्ट राइट इंडिकेटर के लिए भी लाइट मिल जाती है लॉक के बगल में। इसमें चार्जिंग के लिए USB कनेक्टर भी मिल जाता है। राइट साइड में I3S बटन एंड सेल्फ स्टार्ट स्विच मिल जाती है। इस गाड़ी में किक का भी ऑप्शन है। ये गाड़ी दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ये है इस गाड़ी का एक्सेंट ब्लैक कलर। इस कलर में ये गाड़ी स्कॉर्पियो वाली फीलिंग देती है जो कि है नहीं। लेकिन भाई स्प्लेंडर का रुतबा काफ़ी अलग है बाकी गाड़ियों से। स्प्लेंडर प्लस के डायमेंशंस की बात करें तो इस गाड़ी का लेंथ है 2000 mm और विड्थ है 720 mm और इसकी हाइट है 1052 mm की। सीट हाइट इस गाड़ी की है 785 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm की और इस गाड़ी का व्हील बेस है 1236 mm का। इस गाड़ी का वजन है 112 किलोग्राम का। इस गाड़ी का फ्रंट एंड रियर टायर ट्यूबलेस है। तो भाई 95,000 में इतना कुछ ऑफर करते हैं हीरो वाले स्प्लेंडर प्लस में। इस गाड़ी में टोटल 6 कलर ऑप्शन आते हैं। कलर्स की बात करें तो ब्लैक विद पर्पल, कैंडी ब्लेजिंग रेड, हैवी ग्रे विद ग्रीन, क्लाउड सिल्वर, ब्लैक विद सिल्वर एक्सेंट ब्लैक जो कि ये वाला कलर है। तो इसमें 6 कलर टोटल मिल जाते हैं। तो ये था स्प्लेंडर प्लस का कंप्लीट रिव्यू। तो कैसी लगी आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस i3S हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। और अगर आपको स्प्लेंडर के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी और किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद।